हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग वन UI 2.0 में, या सैमसंग A30, A50, A30, A70, जितने भी ये सीरीज है, इसके अंदर अगर आपको कुछ कुछ स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए विदाउट कुछ डिलीट करें, आप कुछ स्पेस कैसे फ्री कर पाएंगे अपने मोबाइल में, तो उसके बारे में बताऊँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका कुछ डेटा भी रिलीज नहीं हो करना पड़ेगा और आपकी स्पेस भी खाली हो जाएगी, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों चलते हैं आगे, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक्स में। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में ले जाता हूँ, स्टोरेज बता देता हूँ कि फ़िलहाल स्टोरेज कितना है मेरा, और फिर आपको फ्री करके बताऊँगा उसको कैसे उसको फ्री कर पाएंगे। तो चलते हैं सेटिंग में, डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस केयर में, एंड देन स्टोरेज में। आप देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ 3.3 GB की डेटा अवेलेबल है और बाकी तरह पूरा स्पेस मेरा फुल है। तो सबसे पहले जो ट्रिक है उसके लिए आपको चलना होगा मोबाइल की गैलरी में। मोबाइल की गैलरी में जाने के बाद आपने देखा होगा कि आप फोटोज़ डिलीट करते हैं वो जाके रिसाइकिल बिन में ऐड हो जाते हैं, तो आपको यहाँ जाना है रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में जाने के बाद आप देख रहे हैं कितनी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस पड़ी हैं, आपको कर देना है उसको MPT। जैसे ही आप MPT करेंगे तो मोस्ट टू मोस्ट कम से कम 2 या 3 GB जितने ज़्यादा डेटा होगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा और आपकी इतनी स्पेस खाली हो जाएगी कि आपको जो कुछ करना है थोड़ा बहुत आप इसमें कर सकते हैं विदाउट एनी कुछ करें, विदाउट आपको कोई स्पेशल डिलीट करने के, सिर्फ आपकी स्पेस वहाँ से खाली हो जाएगी। एक ये बहुत अच्छी ट्रिक है रिसाइकल बिन से, आप अच्छा डेटा, आपका जो फालतू का डेटा जो पहले से इस पर आप डिलीट कर चुके हैं वो डेटा जगह घेर रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपल इसको जाना है गैलरी में, गैलरी में रिसाइकल बिन, उस वहाँ से कर देना है उसको MPT। MPT करने के बाद ही आपका स्पेस वहाँ से थोड़ी और फ्री हो जाएगी, स्पेस फ्री होने दीजिए। उसके बाद एक और ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा और बताऊँगा आपको आगे। ये देख रहे हैं डिलीट हो चुका है। अब वापस चलता हूँ सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद वापस जाता हूँ डिवाइस केयर में, डिवाइस केयर में जाने के बाद जाता हूँ स्टोरेज में। आप देखेंगे मेरा 10 GB से ज़्यादा खाली हो चुका है, जो कि पहले 3.3 GB आपने खुद देखा था, अब 10 GB और डेटा मेरा जगह खाली हो चुका है। मतलब मेरे 10 GB रिसाइकिल मैंने यूज़ करके रखा था, जिसको मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्री कर लिया गया है। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप हर कोई करता है, हर कोई डिलीट करता है तो उसको रिसाइकिल से डिलीट करना भूल जाता है, तो वो स्पेस गेन कर लेता है, तो आपको वहाँ से भी ज़रूर डिलीट करें उसको जिससे आपकी स्पेस खाली हो जाए। और दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है क्या क्या चीज़ दिख रही है, तो आप यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल सेलेक्ट करके फालतू की चीज़ जो भी है आप, जैसे यह थीम्स है जो आप यूज़ नहीं करते, आप उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो ये भी स्पेस फ्री होता जाएगा आपका। तो ये कुछ टेक्निकल, मतलब कुछ ट्रिक्स बताई जो मैंने, एक ट्रिक्स बताई जो ज़रूर आपके काम आएगी दोस्तों। उसके बाद एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में भी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। ये एडवांस में भी ऑप्शन आपको मिल चुके हैं, आप देख रहे हैं, आप टोटल स्पेस ये इतना फ्री है, सब कुछ सब चीज़ दिखा रहा है, तो आप इंडिविजुअल एक एक चीज़ सेलेक्ट करके वहाँ से उसको डिलीट भी मार सकेंगे। एंड देन जैसे सिक्योर फोल्डर है, आप इसमें कुछ यूज़ नहीं करते हैं तो इसको भी डिलीट मार दीजिए, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगी, जो कि बहुत ईजीली हो जाएगी। और जो मैंने रिसाइकल बिन का आपको गैलरी में बताया, ये एक बार आपको फाइल मैनेजर भी करना है, क्योंकि 1.1 UI 2.0 में आपको रिसाइकल बिन फाइल मैनेजर पे ही मिल गए थे, तो आपको यहाँ से भी जाके वो सब डिलीट करना है, तो आपकी और स्पेस वहाँ से और फिली हो जाएगी। यहाँ जाएंगे, यहाँ रिसाइकल बिन का ऑप्शन यहाँ कोई है नहीं, बाकी आप एक बार वहाँ भी चेक करिएगा आपके मोबाइल पे, अगर आपको हो तो वहाँ से भी डिलीट कर दीजिएगा, तो आपकी मोस्ट टू स्पेस वहाँ से भी फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कोई सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।